दिस इज लेक्चर नंबर 10 ऑफ थर्मल फिजिक्स एंड इन दिस लेक्चर फर्स्ट वी विल स्टडी अबाउट वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस एंड देन वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट स्लोप ऑफ पीवी डायग्राम फॉर डिफरेंट प्रोसेसेस. सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट वी विल डिस्कस टू स्पेशल पॉइंट एंड देन वी विल स्टार्ट विद द वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस. सो पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, ध्यान से सुनिए. जो वर्क है आपके पास, वर्क है और जो हीट है, वर्क और हीट जो है ये बेसिकली उस पाथ के प्रोसेस के ऊपर डिपेंड करता है, उस प्रोसेस के पाथ के ऊपर डिपेंड करता है. तो इसीलिए वर्क और हीट को हम पाथ फंक्शन बुलाते हैं, पाथ फंक्शन बुलाते हैं. और जनरली हम वर्क और हीट को, सिंस ये पाथ फंक्शन है, यानी कि प्रोसेस के पाथ के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पाथ प्रोसेस फॉलो कर रहा है. तो सिंस वर्क और हीट पाथ फंक्शन है तो इसलिए हम इसको डिफरेंशियल पैरामीटर मतलब डेल्टा या पार्शियल साइन से डिनोट करते हैं वर्क और हीट को. लेकिन अगर हम वहीं पे इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो इंटरनल एनर्जी जो है ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, इंटरनल एनर्जी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. रैदर इंटरनल एनर्जी जो है वो इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है. कोई अगर प्रोसेस हो रहा है, फॉर एग्जांपल ये प्रोसेस हो रहा है, तो वर्क और हीट इस पूरे पाथ पे डिपेंड करेंगे, लेकिन इंटरनल एनर्जी इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. इसीलिए हम इंटरनल एनर्जी को डिफरेंशियल पैरामीटर डी से डिनोट करते हैं, डी यू से, और वर्क और हीट को डेल्टा से या पार्शियल साइन से डिनोट करते हैं. ठीक है, इस पॉइंट को समझने के लिए हम क्या करते हैं, ग्राफ देखते हैं. ग्राफ हम बना रहे हैं पीवी प्रेशर और वॉल्यूम में, और मान लेते हैं ये है इनिशियल पोजीशन और ये है फाइनल पोजीशन. तो आप बताइए, इनिशियल और फाइनल पोजीशन से जाने के लिए बहुत सारे रास्ते होंगे. एक रास्ता ये होगा, इनफाइनाइट रास्ता होंगे. हम तीन रास्ते की बात करते हैं, ये एक, ये और एक ये. तो ये है प्रोसेस नंबर वन, ये है प्रोसेस नंबर टू और ये है प्रोसेस नंबर थर्ड. यानी ए पॉइंट से, इसको बोल देते हैं ए, इसको बोल देते हैं बी. ए से बी जाने के लिए आपके पास तीन प्रोसेसेस हैं. तो आपको पता है, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते हैं, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू. पीवी ग्राफ गिवन है और अगर किसी कर्व के लिए हमें वर्क डन निकालना है तो उसके अंदर का एरिया लेंगे. आप पहले वाले प्रोसेस के अंदर का वर्क डन एरिया लीजिए तो ये एरिया सबसे ज़्यादा होगा, और फिर सेकेंड प्रोसेस के लिए ये एरिया होगा और थर्ड प्रोसेस के लिए ये एरिया होगा. यानी प्रोसेस नंबर वन के लिए जो इनिशियल से फाइनल जा रहे हैं, ये जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, इसके लिए पीवी डायग्राम का एरिया ज़्यादा है. इसलिए हम बोलते हैं कि वर्क डन ऑफ फर्स्ट पाथ इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ सेकेंड पाथ इज ग्रेटर देन वर्क डन ऑफ थर्ड पाथ. अच्छा, अब ध्यान से सुनिए. और जैसा कि मैंने आपको बोला कि जो इंटरनल एनर्जी है वो इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता है. तो चाहे आप प्रोसेस वन की बात करिए, चाहे आप प्रोसेस टू की बात करिए, चाहे आप प्रोसेस थ्री की बात करिए, उन तीनों प्रोसेस के लिए इनिशियल और फाइनल पोजीशन जो है वो सेम है. तो इसीलिए हम बुला सकते हैं कि इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस वन इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस टू इज इक्वल टू इंटरनल एनर्जी चेंज इन प्रोसेस थ्री. ठीक है. अच्छा, इंटरनल एनर्जी निकालने के ढेर सारे फॉर्मूले होते हैं. आपको पता है कि काइनेटिक आइडल गैस के लिए अगर हम बात करते हैं तो टोटल इंटरनल एनर्जी वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, क्योंकि टोटल इंटरनल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है. सिंस आइडल गैस मॉलिक्यूल में इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्स जो है IMF जीरो है, तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी जीरो होता है. तो जो टोटल इंटरनल एनर्जी है आइडल गैस के लिए वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है. एक हम इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला पढ़े थे, F/2 PV. अगर हम पहले स्टेट और सेकंड स्टेट पे ये फॉर्मूला लगा के देखें तो F/2 पहले स्टेट पे ये होगा PAVA
माइनस फाइनल स्टेट पे पी बी वी बी ऐसे लिखेंगे तो ये आएगा। फिर इंटरनल एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता था एफ वाई टू म्यू आर टी, और इंटरनल एनर्जी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू सी वी डी टी, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इंटरनल एनर्जी डी यू को हम यू फाइनल माइनस यू इनिशियल भी लिख सकते हैं। तो इंटरनल एनर्जी को इन सब चीज़ों से हम डिनोट करते हैं। अब देखिए, अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बात करते हैं, ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, तो इन दो पॉइंट के लिए इंटरनल एनर्जी सेम है तो जो टोटल हीट होगा वो वर्क डन के बराबर होगा। अच्छा, इस तीनों प्रोसेस में वर्क डन का ये सीक्वेंस आता है कि पहले वाले प्रोसेस के लिए वर्क डन ज़्यादा, क्यों? क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा, पी वी डायग्राम में एरिया ज़्यादा है, तो इसीलिए हीट जो है पहले वाले के लिए वो ज़्यादा होगा दूसरे से और वो ज़्यादा होगा तीसरे से। तो ये हीट और वर्क और इंटरनल एनर्जी में रिलेशन होता है जब हम कोई भी प्रोसेस फॉलो करते हैं, एक पाथ फॉलो करते हैं। तो देखिए, इनिशियल और फाइनल पे कौन कौन सा प्रोसेस डिपेंड करता है? प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम और इंटरनल एनर्जी, ये सब इनिशियल और फाइनल पे, यानी ये एक स्टेट फंक्शन है। ये सब क्या है? एक स्टेट फंक्शन है। लेकिन वर्क डन, वर्क और हीट ये बेसिकली क्या करता है? पाथ पे डिपेंड करता है। देखिए, अलग अलग पाथ के लिए वर्क डन अलग अलग आ रहा था, इस वाले पाथ का वर्क डन ज़्यादा आ रहा था, सिमिलरली हीट इस वाले पाथ का ज़्यादा आ रहा था। तो वर्क और हीट जो है, और एक और क्वांटिटी होता है स्पेसिफिक हीट, ये सब क्या है? ये सब पाथ फंक्शन है, ये प्रोसेस के पाथ पे डिपेंड करता है। डन? सो अगर हमें बेसिकली इंटरनल एनर्जी निकालना होगा यू, तो एक तो देखिए, अगर आपको गैस देगा तो आपको सी वी पता है, क्वेश्चन में आपको मोल लेगा, अब आपको क्या करना है? टी फाइनल माइनस टी इनिशियल निकालना है, टेम्परेचर फाइनल माइनस टी इनिशियल निकालना है। देखिए, ये इनिशियल पॉइंट था, ये फाइनल पॉइंट है, ये तो अब आप देखिए, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, तो यहाँ पे इस स्टेट पे टेम्परेचर कितना होगा? देखिए, पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी लगाइए, तो यहाँ से टेम्परेचर आ गया पी वी अपॉन म्यू आर। इस पहले स्टेट पे इनिशियल प्रेशर यहाँ का, इनिशियल वॉल्यूम यहाँ का, और म्यू इंटू आर। सिमिलरली इस पॉइंट पे आप यहाँ का टेम्परेचर निकालिएगा टी वी, दैट विल बी यहाँ का प्रेशर पी फाइनल, यहाँ का वॉल्यूम वी फाइनल अपॉन म्यू आर। अब आप इसको यहाँ पे पुट करिएगा इस दोनों को, तो आपके पास टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट ए पे ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, तो यू एट पॉइंट ए दैट विल बी एफ वाई टू पी ए इंटू वी ए, एंड यू एट पॉइंट बी दैट विल बी एफ वाई टू पी वी इंटू वी वी, और फिर उसके बाद हम टोटल इंटरनल एनर्जी निकालने के लिए ये फॉर्मल लगा देंगे यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा, आपको एक पी वी कर्व बना के दे दिया, ठीक है, और इसमें आपको तीन पाथ गिवन है, इस दो पॉइंट, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इस इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में तीन पाथ है, एक तो ऐसा पाथ है, एक ऐसा पाथ है और एक ऐसा पाथ है, तो इनिशियल से हम फाइनल जा रहे हैं। अब आप देखिए, ये है पाथ नंबर वन, पाथ नंबर टू, पाथ नंबर थ्री। अब आपसे, आपको क्वेश्चन में कुछ बोला है कि पाथ नंबर वन में जो वर्क डन है, क्योंकि वर्क डन पाथ डिपेंडेंट होता है, तो पाथ वन में जो वर्क डन हुआ दैट इज 200 जूल। सिमिलरली पाथ टू में जो वर्क डन हुआ दैट इज 100 जूल, एंड पाथ थ्री में जो वर्क डन हुआ है दैट इज 50 जूल। और आपको क्वेश्चन में बोला है कि जो पाथ थ्री में हीट है एक्सचेंज्ड, वो है 250 जूल। एक्सचेंज मतलब या तो हीट दिया हुआ या हीट लिया होगा। तो आपसे पूछा है क्यू वन अपॉन क्यू टू बताइए, यानी पाथ वन और पाथ टू में जो एक्सचेंज हीट है उसका रेशियो बताइए। तो देखिए, सिंस ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, इनिशियल से फाइनल पॉइंट हम जा रहे हैं, तो इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है,
तो इंटरनल एनर्जी तीनों पाथ का बराबर होगा। ये तो आपको पता है कि इंटरनल एनर्जी ऑफ पाथ वन विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ पाथ टू विल बी इक्वल टू इंटरनल एनर्जी ऑफ पाथ थ्री। तो हम क्या कर रहे हैं, इस थ्री वाले पाथ का, थर्ड नंबर वाले पाथ का इंटरनल एनर्जी लिखेंगे। तो आपको पता है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। तो डी यू क्या लिख सकते हैं, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो पार्ट थर्ड के लिए आप लगाइए ये, तो ये हो जाएगा थर्ड वाले के लिए डेल्टा क्यू माइनस थर्ड वाले के लिए वर्क डन। इतना समझ में आया? अच्छा, अब आप देखिए, थर्ड वाले के लिए आपके पास हीट गिवन है 250 जूल और थर्ड वाले के लिए वर्क गिवन है 50 जूल। तो इसको यहाँ रखिए, तो डी यू वन इजक्वल टू डी यू टू इजक्वल टू डी यू थ्री, और यहाँ से देखिए 250 माइनस 50 तो ये आ जाएगा 200 जूल। यानी आपको पहले दूसरे तीसरे वाले पाथ में इंटरनल एनर्जी मिल गया 200 जूल। तो आप क्या करिए, पहले वाले पाथ के लिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करिए। तो डी यू वन विल बी इक्वल टू डेल्टा क्यू वन माइनस डेल्टा डब्ल्यू वन। अच्छा, डी यू वन देखिए 200, डेल्टा डब्ल्यू वन देखिए 200, तो यहां से डेल्टा क्यू वन आ जाएगा। फिर सेकेंड वाले पाथ के लिए आप लगाइएगा, तो सिमिलरली सेकेंड वाले पाथ के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी 200, सेकेंड वाले पाथ के लिए वर्क डन 100, यहां से डेल्टा क्यू टू आ जाएगा। दोनों का रेशियो लीजिएगा, आपके पास आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके इसमें आपको एक ग्राफ गिवन है, प्रेशर और वॉल्यूम में ग्राफ गिवन है, और आपके पास देखिए ये एक प्रोसेस गिवन है, ए बी सी और ए डी सी। आप एरो पे ध्यान रखिए, ये दोनों अलग अलग प्रोसेस है। तो बोला क्या है कि हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द पाथ ए बी सी, यानी ए टू बी, बी टू सी। इस ए बी सी पाथ में जो हीट सप्लाइड है, दैट इज 55 जूल, एंड इंटरनल एनर्जी एट ए इज 5 जूल। यानी ए पे जो इंटरनल एनर्जी है वो आपको गिवन है 5 जूल। तो आपसे पूछा है देन कैलकुलेट हीट सप्लाइड ड्यूरिंग द पाथ ए डी सी, और इस पाथ ए डी सी पे जब हम जाएंगे तो वहाँ हीट सप्लाइड कितना है वो पूछा गया है। और एक और क्वेश्चन पूछा गया है, इंटरनल एनर्जी एट पॉइंट सी, इस सी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी क्या होगा वो बताना है। अब आप देखिए, ए से सी तक जाने में दो रास्ते हैं, एक तो आप बी से होके जाइए और एक आप डी से होके जाइए। आप कोई सा भी रास्ता फॉलो करिए, टोटल इंटरनल एनर्जी दोनों रास्ते में सेम होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी एक स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। चाहे आप कोई सा भी पाथ चूज करिए, अनटिल एंड अनलेस इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम है, इंटरनल एनर्जी सेम होने वाला है। तो क्या हम बोल सकते हैं कि टोटल इंटरनल एनर्जी ए बी सी का विल बी इक्वल टू टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ ए डी सी? तो देखिए, डी यू ऑफ ए बी सी इक्वल टू डी यू ऑफ ए डी सी। ठीक है, अब आप क्या करिए, इस ए बी सी वाले पार्ट में यहाँ जो टोटल इंटरनल एनर्जी है यहाँ पे लगाइए प्लॉट, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स होता है डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। डी यू को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। तो यहाँ पे हम ए बी सी के लिए लिख रहे हैं, तो डी यू ऑफ ए बी सी को हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू ऑफ ए बी सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ ए बी सी। सिमिलरली ए डी सी के लिए हम डी यू लिखेंगे यहाँ से, तो डेल्टा क्यू ऑफ ए डी सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू ऑफ ए डी सी। अब आप क्या करिए, जो ए बी सी में वर्क डन है, इस वर्क डन को आप तोड़ दीजिए। एक तो आप वर्क डन लिखिए यहाँ से यहाँ तक, वर्क डन ऑफ ए टू बी, और एक आप वर्क डन लिखिए वर्क डन ऑफ बी टू सी। तो ए बी सी वाले वर्क डन को हमने दो पार्ट में तोड़ दिया, ए बी और बी सी में। सिमिलरली जो ए डी सी का वर्क डन है, इसको भी हमने दो पार्ट में तोड़ा है, वर्क डन ए टू डी एंड वर्क डन डी टू सी, वर्क डन ए टू डी एंड वर्क डन डी टू सी। अब आप ध्यान से देखिए, ए टू बी में जो वर्क डन है, क्या ये वर्क डन, ये देखिए ग्राफ जो है, ये लाइन जो है वो वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है, तो क्या ये आइसोकोरिक प्रोसेस है? और आपको याद होगा आइसोकोरिक प्रोसेस में वर्क डन होता है जीरो। ठीक है, तो यहां से ए टू बी में वर्क डन हो गया जीरो, क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट है। फिर बी टू सी देखिए, ये है आइसोबारिक प्रोसेस, और आइसोबारिक प्रोसेस है तो यहां पे वर्क डन कुछ होगा। ठीक है, सो
वर्क डन ए टू बी में जीरो होगा क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है। सिमिलरली जो सी और डी में वर्क डन है ये भी आइसोकोरिक है, तो डी सी का भी वर्क डन जीरो हो गया, इसका वर्क डन जीरो हो गया। अब बचा बी सी का वर्क डन और ए डी का वर्क डन। अब आप देखिए बी सी ये लाइन है तो पी वी ग्राफ गिवन है, वर्क डन निकालने के लिए हम ये टोटल एरिया ले लेंगे, टोटल एरिया, ये टोटल एरिया, तो बी सी में वर्क डन निकल जाएगा। अच्छा वर्क डन टोटल एरिया, ये देखिए आपको रेक्टेंगल दिख रहा होगा, तो दैट विल बी लेंथ इंटू ब्रेथ, तो लेंथ है 200 इंटू ब्रेथ होगा 100। अब 100 नहीं, ये पूरा एरिया लेंगे तो यहां से यहां तक, तो ये आ जाएगा 110, और ये किलो पास्कल में, ये सीसी में है। तो पहले हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और SI यूनिट में कन्वर्ट करके यहाँ पर पुट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए सीसी है, तो 1 cc होता है, अगर इसको मीटर क्यूब में चेंज करें तो वो होता है 10^3, और किलो पास्कल है तो किलो पास्कल को हम लिखेंगे 200 इंटू 10^-6, तब जा करके वो पास्कल में बेसिकली न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट होगा। सिमिलरली वर्क डन ए टू डी में, इस लाइन में ये बेसिकली एरिया होगा, ये एरिया कितना होगा, ये 200 और ये कितना है 10, तो 200 इंटू 10, अगेन इसको यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, और फिर हम यहाँ से देखिए ये तो ख़त्म है, ये आ गया ये ख़त्म है, और ए बी सी में आपको हीट गिवन था 55 जूल, तो यहाँ से आ जाएगा ए डी सी में हीट आ जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, ए बी सी में फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएंगे ए बी सी में, तो दैट विल बी डी यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू, तो इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इन ए बी सी माइनस डेल्टा डब्ल्यू इन ए बी सी। ए बी सी में यहाँ से हीट आ गया और यहाँ से वर्क डन आ गया है ए बी सी में, तो यहाँ से हम सी पॉइंट पे इंटरनल एनर्जी निकाल सकते हैं। अब हम एक साइक्लिक प्रोसेस में कैसे वर्क डन कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। तो हम एक साइक्लिक प्रोसेस बना लेते हैं, मान लीजिए ये आपके पास है पी वी कर्व और इसमें एक साइकिल आपको बना के दे दिया ऐसे, ठीक है, साइकिल का नाम रख देते हैं ए बी सी डी, और साइक्लिक देखिए क्योंकि एरो सब जगह सेम है, एरो का सेंस सेम है, तो अब इसमें वर्क डन कैसे निकालेंगे वो देखिए। जब भी आपको ऐसा साइक्लिक प्रोसेस दे तो एक साइक्लिक प्रोसेस का आप एरिया निकाल दीजिए, इस साइक्लिक प्रोसेस के अंदर का एरिया, वो आपको देगा वर्क डन, टोटल वर्क डन ऑफ दिस साइकिल, ठीक है। तो पीवी डायग्राम में साइकिल के अंदर का एरिया वो आपको देगा वर्क डन इन दैट साइक्लिक प्रोसेस। अच्छा अब साइन कैसे लेंगे कि वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, पहले तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो सीखिए, फिर हम एक यहाँ पे ट्रिक सीखेंगे। बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपका वाई एक्सिस प्रेशर है और वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है, ये फिक्स है, ऐसा ही होना चाहिए, प्रेशर वाई एक्सिस पे, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे। अगर ऐसा है और अगर आप एरो जो है वो क्लॉकवाइज जा रहा है, एरो कैसा जा रहा है क्लॉकवाइज, देखिए एरो जा रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज एरो के लिए अगर प्रेशर वाई एक्सिस पे है, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे है, तो वर्क डन इन दिस फॉर्म, वर्क डन इन दिस केस साइक्लिक प्रोसेस वो पॉजिटिव आएगा। लेकिन यही एरो एंटी क्लॉकवाइज हो जाए तब हम वर्क डन यहाँ पे नेगेटिव लेंगे। तो वर्क डन कब पॉजिटिव लेंगे, पहले तो नियम क्या है, रूल क्या है कि प्रेशर वाई एक्सिस पे होना चाहिए, वॉल्यूम एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। दूसरी बात कि अगर एरो साइक्लिक है, क्लॉकवाइज एरो है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा, और अगर एरो एंटी क्लॉकवाइज है तो वर्क डन साइक्लिक के केस में नेगेटिव होगा। अब ये तो क्या है, ये बेसिकली बेसिक है, अब हम यहाँ पे ट्रिक से कैसे करेंगे ध्यान से सुनिए। ये जो वॉल्यूम एक्सिस है, वॉल्यूम एक्सिस से आप देखिए कि कौन से लाइन का वर्क डन मैक्सिमम है,
अब आप देखिए इस लाइन का तो वर्क डन जीरो, इस लाइन का वर्क डन जीरो, क्योंकि ये लाइन आइसोकोरिक लाइन को डिनोट करता है, वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है। इस लाइन का वर्क डन निकालने के लिए आपको इतना एरिया लेना पड़ेगा और इस लाइन का वर्क डन निकालने के लिए आपको इतना एरिया लेना पड़ेगा, यानी बीसी लाइन जो है उसका वर्क डन ज्यादा है। अब देखिए सिंस इसका वर्क डन ज्यादा है, तब हम वर्क डन का जो साइन है वो इसी लाइन से बताएंगे। देखिए वर्क डन का साइन बताने के लिए आपको पता है वर्क डन का साइन कैसे निकालते हैं। अगर वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, और वर्क डन हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं पी इंटू डेल्टा वी। अगर चेंज इन वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तब आप देखिए ये एरो देखिए बीसी लाइन पे, क्योंकि बीसी लाइन का वर्क डन मैक्सिमम है, तो टोटल जो साइकिल का वर्क डन होगा वो इन्फ्लुएंस होगा बीसी लाइन से। तो यहाँ पे देखिए वॉल्यूम बढ़ रहा है, ये इनिशियल वॉल्यूम इतना, फाइनल वॉल्यूम इतना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम बढ़ेगा, तो इस केस में वर्क डन पॉजिटिव लेंगे। अच्छा ये तो रूल है, और ध्यान से सुनिए साइक्लिक प्रोसेस में अगर आपको ऐसा साइक्लिक प्रोसेस दिखे तो इंटरनल एनर्जी, याद रखिएगा इंटरनल एनर्जी जो है वो कांस्टेंट होता है। अगर इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट हो गया साइक्लिक प्रोसेस में तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी मतलब डीयू वो हमेशा जीरो होगा। तो ये याद रख लीजिए कि एक साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो चेंज इन इंटरनल एनर्जी है वो हमेशा जीरो होता है। तो हम यू साइक्लिक जो है वो कांस्टेंट होता है और डी यू साइक्लिक वो जीरो होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा अगर डी यू साइक्लिक जीरो है तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू। अच्छा सिंस डी यू जीरो है तो क्या हम बोल सकते हैं कि डेल्टा क्यू साइक्लिक विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक, हाँ ये भी याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अच्छा अब हम कुछ और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए आपके पास ऐसा कुछ ग्राफ गिवन है पी वर्सेस बी, और यहाँ पे एक साइक्लिक प्रोसेस आपको गिवन है। साइक्लिक प्रोसेस कैसे पहचानिएगा, एरो देखिए, एरो का सेंस सेम है तो ये साइक्लिक प्रोसेस है। अब देखिए ध्यान से, एक तो पहली बात जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस दिखे डी यू जीरो और डेल्टा क्यू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू। अब आप बताइए डेल्टा डब्ल्यू का साइन, एक तो बेसिक है, बेसिक हम बात नहीं करेंगे, आप बताइए कि डेल्टा डब्ल्यू जो है वो तीन लाइन से आ सकता है, वर्क डन तीन लाइन से आएगा। पहले तो बताइए ये जो लाइन है वॉल्यूम एक्सिस से बात कर रहे हैं, वॉल्यूम एक्सिस से बात कर रहे हैं, ये लाइन वॉल्यूम एक्सिस के परपेंडिकुलर है, तो ये आइसोकोरिक प्रोसेस है तो इसका वर्क डन जीरो आएगा। अब वर्क डन दो ही लाइन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, बताइए किसका वर्क डन ज्यादा, हाँ इस लाइन का वर्क डन ज्यादा क्योंकि इसका एरिया इतना होगा। तो वर्क डन टोटल इस पाथ का, टोटल इस क्लोज साइकिल का इन्फ्लुएंस होगा एसी लाइन से। अब देखिए यहां पे वॉल्यूम देखिए, यहां पे वॉल्यूम इतना, यहां पे वॉल्यूम इतना, यानी एरो देखिए हम ज्यादा वॉल्यूम से कम वॉल्यूम की तरफ जा रहे हैं, यानी वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है तो चेंज इन वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो यहां पे वर्क डन नेगेटिव आएगा। अगर वर्क डन नेगेटिव आएगा तो ओवरऑल पूरे साइक्लिक प्रोसेस का वर्क डन साइक्लिक वो भी नेगेटिव आएगा, यस और नो। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, जैसे आप इस एग्जांपल को देखिए, इसमें प्रेशर और वॉल्यूम देखिए, आपको वो जो मैंने आपको ट्रिक बताया था कि वर्क डन पूरे साइक्लिक प्रोसेस का पॉजिटिव है या नेगेटिव है, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि कौन सा लाइन जो है वो ज़्यादा वर्क डन दे रहा है, उसके हिसाब से निकालते हैं। और वो वर्क डन आप निकालिएगा हमेशा वॉल्यूम एक्सिस से, कैसे ध्यान से सुनिए। देखिए ये एक साइक्लिक प्रोसेस है, साइकिल ऐसे चल रहा है, ऐसे चला साइकिल, फिर साइकिल देखिए ऐसे घुमा, तो ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। एरो देखिए, पहले एरो ऐसे गया फिर एरो ऐसे गया। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो इस वाले पार्ट को देखिए तो इस वाले पार्ट में वॉल्यूम बढ़ रहा है, यहाँ पे वॉल्यूम इतना, यहाँ पे वॉल्यूम इतना, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इस वाले पार्ट का जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव होगा। फिर आप देखिए इस वाले पार्ट का, क्योंकि इस वाले पार्ट का वर्क डन ज़्यादा होगा, इसका वर्क डन कम ही होगा क्योंकि एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है, तो नीचे वाले लाइन का तो हम वर्क डन उसके एरिया को नहीं करेंगे क्योंकि उसका वर्क डन कम है। जो नेट साइकिल का वर्क डन आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव, वो
कौन इन्फ्लुएंस करेगा उसको? हाँ, जिसका वर्क डन ज़्यादा है। तो देखिए इस तीनों ऊपर वाले लाइन का वर्क डन ज़्यादा है, तो हम इस ऊपर वाले वर्क डन, ऊपर वाले लाइन का वर्क डन का साइन चेक करेंगे। तो अब देखिए इस लाइन को देखिए, इसमें देखिए जो वॉल्यूम है वो घट रहा है, पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम इतना हो गया, तो वॉल्यूम घट रहा है तो इसका वर्क डन निगेटिव आएगा। फिर इसमें भी देखिए, इसमें है पहले वॉल्यूम इतना था फिर वॉल्यूम इतना, इसका वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका वर्क डन पॉजिटिव आएगा। तो दो पॉजिटिव एक नेगेटिव, यानी ओवरऑल पूरे साइक्लिक का जो वर्क डन आएगा वो पॉजिटिव आएगा, हमेशा याद रखिएगा। जैसे एक और एग्जांपल देखिए, अब देखिए अब आपके पास ग्राफ गिवन है वॉल्यूम और प्रेशर में, वाई एक्सिस पे वॉल्यूम, एक्स एक्सिस पे प्रेशर। तब आप देखिए वॉल्यूम एक्सिस से किसका एरिया सबसे ज़्यादा, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा उसका वर्क डन ज़्यादा, और वही वर्क डन नेट साइकिल के वर्क डन के साइन पे, साइन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो देखिए इस दो लाइन का एरिया सबसे ज़्यादा वॉल्यूम एक्सिस से, तो इस दो लाइन का वर्क डन सबसे ज़्यादा और ओवरऑल जो नेट साइकिल का वर्क डन है वो इस दोनों लाइन से इन्फ्लुएंस होगा। तो बताइए इस लाइन की अगर हम बात करते हैं तो पहले वॉल्यूम इतना था अब वॉल्यूम इतना है, यानी कि आप ओरिजिन के पास जा रहे हैं, तो इस लाइन में वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, तो इस लाइन का वर्क डन कितना होगा? नेगेटिव। अब आप इस लाइन को चेक करिए, इस लाइन में वॉल्यूम इतना था फिर वॉल्यूम इतना हो गया, तो आप ओरिजिन के पास जा रहे हैं, तो इस लाइन में भी वर्क डन नेगेटिव। तो ओवरऑल पूरे साइकिल का वर्क डन नेगेटिव। समझ में आया कैसे वर्क डन नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो कैलकुलेट करना है, साइक्लिक प्रोसेस कैसे चेक करना है, एरो का डायरेक्शन सेम सेंस में होना चाहिए, और साइक्लिक प्रोसेस जैसे ही आ जाए तो डी यू चुपके से आप जीरो निकल करके लिख करके आ जाइए, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है दैट इज स्लोप ऑफ पीवी कर्व। देखिए अलग अलग प्रोसेस में, आइसोकोरिक, आइसोबारिक, आइसोथर्मल और एडियाबेटिक में पीवी कर्व का जो स्लोप है वो अलग अलग आता है। तो वही हम पढ़ने जा रहे हैं कि आइसोकोरिक, आइसोबारिक और आइसोथर्मल और एडियाबेटिक, इन सब में पीवी कर्व का स्लोप क्या होगा, वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। आइसोकोरिक मतलब वॉल्यूम कॉन्स्टेंट, तो प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ बनाए, तो वॉल्यूम कॉन्स्टेंट मतलब लाइन ऐसा बनेगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट तो इसका स्लोप निकालिए, स्लोप मतलब dp/dv, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो चेंज इन वॉल्यूम जीरो होगा, तो dp/dv जीरो रखिए तो 1/0 इनफाइनाइट होता है। तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस, स्लोप ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस ऑफ पीवी कर्व इज मैक्सिमम, हमेशा याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा आइसोबारिक की बात करिए, आइसोबारिक में प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ देखिए, तो जो ग्राफ बनेगा वो प्रेशर के परपेंडिकुलर बनेगा, सिंस आइसोबारिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट होता है तो चेंज इन प्रेशर जीरो हो गया, डीपी जीरो हो गया, तो स्लोप होता है dp/dv। अच्छा डीपी जीरो हो गया तो 0/1 जीरो, तो याद रखिएगा स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऑफ आइसोबारिक प्रोसेस इज जीरो, एंड वो सबसे कम होता है आउट ऑफ ऑल द प्रोसेस। आइसोकोरिक में स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व dp/dv फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस वो इनफाइनाइट होता है, वो मैक्सिमम होता है, और आइसोबारिक में जीरो और वो मिनिमम होता है। अब हम बात करते हैं आइसोथर्मल और एडियाबेटिक। तो आइए आइसोथर्मल और एडियाबेटिक डायरेक्ट याद रखिएगा, आइसोथर्मल में टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है तो पीवी का प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट होगा। तो देखिए पीवी ग्राफ गिवन है, यहाँ पे अगर हम स्लोप निकालेंगे तो स्लोप वेरिएबल आएगा, और स्लोप आइसोथर्मल में यानी स्लोप ऑफ प्रेशर वॉल्यूम कर्व ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस इज माइनस ऑफ पी वाई बी। यहाँ जो नेगेटिव साइन है वो बेसिकली डायरेक्शन को दिखाता है, तो नेगेटिव साइन हम नहीं यूज करते हैं, डायरेक्शन को ही दिखाता है तो उसको यूज नहीं करते। फिर एडियाबेटिक की बात करिए, तो एडियाबेटिक में हीट जो होता है वो कॉन्स्टेंट होता है, तो एडियाबेटिक के लिए हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, pv^γ = constant। तो अब देखिए प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ आपके पास गिवन है, इसका स्लोप यानी dp/dv ऑफ एडियाबेटिक कर्व हमेशा याद रखिएगा दैट इज -γ × p/v। pv किसका स्लोप है? हाँ आइसोथर्मल का स्लोप है प्रेशर वॉल्यूम का। तो यहाँ से हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि स्लोप ऑफ एडियाबेटिक कर्व इज γ × स्लोप ऑफ आइसोथर्मल कर्व, बोल सकते हैं क्या? तो स्लोप आइसोथर्मल कर्व का -p/v, स्लोप एडियाबेटिक कर्व का -γ p/v।
माइनस से आप कंफ्यूज मत होइए, माइनस डायरेक्शन को बताता है, आप माइनस को नेगलेक्ट कर दीजिए। तो बताइए सबसे ज्यादा कौन, आइसोकोरिक क्योंकि उसका स्लोप मैक्सिमम, फिर उसके बाद एडियाबेटिक क्योंकि एडियाबेटिक में गामा ऐड हो रहा है, गामा मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर आइसोथर्मल क्योंकि पीवाई भी है, नेगेटिव साइन से कंफ्यूज मत होइए, और सबसे कम आइसोबारिक क्योंकि उसका जीरो। डन। अब हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, पहले आप इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें बोला है आपको वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ गिवन है। देखिए ध्यान से देखिएगा, वॉल्यूम वाई एक्सिस पे, प्रेशर एक्स एक्सिस पे। बोला मोनोएटॉमिक गैस के लिए ये आपके पास साइक्लिक प्रोसेस, देखिए एरो सेम सेंस में है तो ये साइक्लिक प्रोसेस गिवन है, और आपसे पूछा है डी यू साइकिल बताइए, डेल्टा डब्ल्यू साइकिल, डेल्टा क्यू साइक्लिक, डेल्टा डी यू सी ए प्रोसेस सी ए लाइन के लिए, डेल्टा डब्ल्यू सी ए लाइन के लिए, और डेल्टा क्यू सी ए लाइन के लिए। तो देखिए साइक्लिक प्रोसेस जैसे आया तो आपको पता है साइक्लिक प्रोसेस के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी कितना होता है, जीरो, क्योंकि इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस के लिए कांस्टेंट होता है, तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी वो जीरो हो जाएगा। अब बात करते हैं डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक, पहले तो बताइए पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आप वॉल्यूम एक्सिस से देखिए, वॉल्यूम एक्सिस से देखिए तो कौन सा लाइन सबसे ज़्यादा वर्क डन देगा, हाँ जो वॉल्यूम एक्सिस से दूर है वो सबसे ज़्यादा वर्क डन देगा, और सबसे ज़्यादा वर्क डन देगा तो इस पे वर्क डन का हम साइन निकाल लेते हैं, और वही पूरे साइक्लिक के वर्क डन के साइन को इन्फ्लुएंस करेगा। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम जो है वो डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि वॉल्यूम 40 से 20 की तरफ जा रहा है, तो वॉल्यूम डिक्रीज करेगा, तो एसी लाइन के लिए जो वर्क डन है वो नेगेटिव आएगा, और यही पूरे ओवरऑल साइक्लिक वर्क डन के लिए को इन्फ्लुएंस करेगा उसके साइन को, तो ओवरऑल पूरे साइकिल का जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा। अच्छा अब कैसे निकालेंगे साइक्लिक का, ट्राइंगल है हाफ बेस इनटू हाइट लगा दीजिए, पर याद रहे आपको देखिए वॉल्यूम ml में दिया है, प्रेशर atm में, तो आपको इसको SI यूनिट में चेंज करना है क्योंकि आंसर आपको जूल में पूछा है। तो 1 atm होता है 10^5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और 1 ml होता है 10^-6 मीटर क्यूब। तो यहाँ पुट करिएगा, हाफ बेस इनटू हाइट लगाइएगा, आपके पास वर्क डन साइक्लिक आएगा। फिर आप डेल्टा क्यू साइक्लिक निकालिए, तो यहाँ पे साइक्लिक निकालने के लिए आप लगाइए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, डेल्टा क्यू के लिए डेल्टा डब्ल्यू डी यू, डी यू तो ऑलरेडी जीरो है, तो डेल्टा क्यू साइक्लिक विल बी डेल्टा क्यू साइक्लिक इज इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक यहाँ से निकाल चुके हैं, तो डेल्टा क्यू साइक्लिक भी वही आएगा। अब देखिए ये जो सी ए लाइन है, सी ए लाइन है, इस पर टोटल इंटरनल एनर्जी निकालना है। तो बताइए इस सी ए लाइन पे दो पॉइंट है, ये इनिशियल या फाइनल, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी निकालना है, तो क्या हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम कर्व गिवन है, तो F by 2PV इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ पे C पे ये देखिए ये इनिशियल है या फाइनल है, तो यहाँ होगा PV फाइनल माइनस PV इनिशियल, इनिशियल है C और फाइनल है A, तो F by 2PAVA माइनस PCVV, और F सिंस मोनो एटॉमिक गैस है तो आपकी जगह 3 रखेंगे, तो आपके पास सी ए लाइन के लिए टोटल इंटरनल एनर्जी आ जाएगा। अच्छा सी ए लाइन पे टोटल इंटरनल आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा क्या, अच्छा वर्क डन निकालिए सी ए लाइन पे, तो सी ए लाइन पे वर्क डन निकालने के लिए आपको ये पूरा एरिया लेना पड़ेगा, यहाँ से यहाँ तक आप क्या करिए, पहले हम जो लाइन बना रहे हैं उसका पूरा एरिया लीजिए, क्योंकि ये आपको रेक्टेंगल दिख गया, फिर इस पूरे एरिया में आप इतने एरिया को माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये एरिया मिल जाएगा क्या, क्योंकि सी ए लाइन का आपको वर्क डन पूछा है ना, तो वॉल्यूम एक्सिस से एरिया लीजिएगा, तो पहले आप पूरा एरिया ले लीजिए, उसमें से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दीजिए, और इतना आपको एरिया मिल जाएगा, वही वर्क डन होगा, पर atm ml में तो आपको उसको जूल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। फिर देखिए सी ए लाइन का टोटल इंटरनल एनर्जी आ गया, सी ए लाइन का वर्क डन आ गया, तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा करके सी ए लाइन का हीट एक्सचेंज आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास प्रेशर और वॉल्यूम कर्व गिवन है, आपके पास दो इलिप्स गिवन है, और दोनों इलिप्स में मार्किंग देख लीजिए, तो आपसे पूछा है डी यू साइक्लिक बताना है, डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक बताना है, और डेल्टा क्यू साइक्लिक बताना है। पहले तो जैसे ही साइक्लिक प्रोसेस आपको दिखे तो डेल्टा डी यू तो जीरो हो गया, अच्छा अब बताना है डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक। ध्यान से देखिए साइक्लिक प्रोसेस में हम एरिया अंडर द कर्व ले लेंगे तो आपको वर्क डन मिल जाएगा, पर ध्यान से देखिए इस पहले एलिप्स में वर्क डन देखिए पॉजिटिव है या निगेटिव है, पहले एलिप्स में
तो देखिए वॉल्यूम एक्सिस से हम यहाँ कंसीडर करते हैं, वॉल्यूम एक्सिस से इसका एरिया सबसे ज़्यादा होगा इस लाइन का, तो इसमें जो वर्क डन का साइन होगा वही इन्फ्लुएंस करेगा ओवरऑल इस इलिप्स में वर्क डन के साइन को। तो यहाँ देखिए वॉल्यूम जो है वो बढ़ रहा है, कम से ज़्यादा जा रहा है, तो इस इलिप्स का इस लाइन के लिए वर्क डन पॉजिटिव है, तो इस पूरे इलिप्स के लिए वर्क डन क्या होगा? पॉजिटिव। अच्छा, इलिप्स का एरिया होता है, एरिया ऑफ इलिप्स होता है पाई ए बी। तो यहाँ पे आप ये है ए और ये है बी, तो यहाँ पे आप पाई ए बी लगाइएगा बिगर इलिप्स के लिए, और बीच में आप पूरे साइकिल का ऐड करना है, तो आप इस छोटे से इलिप्स को देखिए, छोटे से इलिप्स में अगेन ये ऊपर वाला जो कर्व है उसका वर्क डन ज़्यादा है, तो इस वर्क डन पे जो साइन होगा वही इन्फ्लुएंस करेगा ओवरऑल छोटे वाले एलिप्स में वर्क डन का साइन। तो इसमें देखिए वॉल्यूम कम हो रहा है, तो वॉल्यूम कम होगा, वर्क डन नेगेटिव होगा इस लाइन का, तो ओवरऑल पूरे एलिप्स का वर्क डन नेगेटिव होगा, तो टोटल साइक्लिक का इसका माइनस इसका, तो स्मॉलर वाले का पाई ए भी लगाएंगे, तो यहाँ से वर्क डन साइक्लिक आ गया। फिर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगा करके डी यू जीरो है, डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक आ गया, तो डेल्टा क्यू साइक्लिक आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक टेम्परेचर और वॉल्यूम, टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम कर्व गिवन है, यहाँ पीवी कर्व नहीं है, याद से देखिए टेम्परेचर वॉल्यूम है। इसमें बोला है टू मोल ऑफ एन आइडल गैस, यानी आइडल गैस का आपको दो मोल गिवन है, परफॉर्म अ साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, तो ये आइडल गैस ए बी सी ए ये एक साइक्लिक प्रोसेस परफॉर्म करता है। टोटल 1200 जूल ऑफ हीट इज विदड्रॉन, अच्छा हीट को निकाला गया है प्रोसेस से, तो डेल्टा क्यू जो हो जाएगा दैट इज माइनस 1200 जूल। ड्यूरिंग दिस साइक्लिक प्रोसेस कैलकुलेट वर्क डन ऑन द सिस्टम ड्यूरिंग द पाथ बी सी, तो ये जो बी सी पाथ है इसमें आपको वर्क डन पूछा है। अब देखिए पहले आप देखिए क्या करना है, टेम्परेचर वॉल्यूम में कर्व गिवन है, ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही पहले साइक्लिक प्रोसेस बोला डी यू साइकिल का जीरो, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा क्यू स्क्वायर डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, डी यू जीरो, तो डेल्टा क्यू साइक्लिक विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक। अच्छा आपको देखिए पूरे साइकिल में हीट विड्रॉन गिवन है माइनस 1200, तो डेल्टा क्यू साइक्लिक है माइनस 1200। अब हमें डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक निकालना है, तब आप क्या करिए तीनों लाइन का अलग अलग डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक ब्रेक कर दीजिए, तो डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक लिख सकते हैं वर्क डन इन ए बी लाइन, वर्क डन इन ए सी लाइन एंड वर्क डन इन सी बी लाइन, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए, ये जो ए सी लाइन है क्या ये वॉल्यूम के परपेंडिकुलर है? अरे ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो ए सी लाइन का वर्क डन जो है वो जीरो आ जाएगा, ठीक है। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, हमने वर्क डन को तोड़ लिया। अब देखिए जो ए बी लाइन है क्या ये आपको ओरिजिन से पास होता हुआ स्ट्रेट लाइन दिख रहा है क्या? तो पी वी इज इक्वल टू म्यू आर टी में अगर हम स्ट्रेट लाइन बनाना चाहते हैं तो आपको प्रेशर कॉन्स्टेंट रखना पड़ेगा, तभी तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, ग्राफ बनेगा स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन और स्ट्रेट लाइन। तो ये जो लाइन है ए बी ये आइसोबारिक प्रोसेस है, और आइसोबारिक प्रोसेस के लिए वर्क डन इन आइसोबारिक ए बी प्रोसेस क्या होता है? वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस पी वी या म्यू आर डेल्टा टी, तो यहाँ ए बी के लिए म्यू आर डेल्टा टी लगाइए, डेल्टा टी मतलब फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर, टी वी माइनस टी ए। तो आप देखिए म्यू आपको गिवन है 2, आर आपको लेना है 8.31, फाइनल टेम्परेचर भी गिवन है यहाँ पे 500 केल्विन और इनिशियल टेम्परेचर है 300, तो यहाँ पे डब्ल्यू ए बी आ गया। अच्छा बी सी ही तो निकालना था वर्क डन, तो यहाँ पे देखिए एक ही है तो डब्ल्यू बी सी यहाँ से निकाल लेंगे। अच्छा यहाँ पे पूछा वर्क डन ऑन द सिस्टम, तो जब भी सिस्टम पे वर्क डन करते हैं पॉजिटिव लेंगे, तो आंसर आपको पॉजिटिव लेना है, तो वर्क डन बी सी पॉजिटिव लेना है, क्वेश्चन इज आस्किंग वर्क डन ऑन द सिस्टम, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको क्या है एक प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ गिवन है, और आपको बोला है कि एक साइक्लिक प्रोसेस आपके पास है, एक साइक्लिक प्रोसेस है, और आपको क्वेश्चन में बोल दिया कि ये जो 1-2 प्रोसेस है ये आइसोथर्मल प्रोसेस है, 2-3 आइसोकोरिक प्रोसेस है, और 1-3 एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये क्वेश्चन में आपको बोल के दिया है। तो आपसे पूछा है कि बेसिकली आपको 3-1 में वर्क डन बताना है, 3-1 जब जा रहे हैं, और 3-1 में आपको हीट बताना है, ठीक है। अच्छा पहले आप देखिए, जैसे ही ये साइक्लिक प्रोसेस है तो डी यू साइकिल तो जीरो हो जाएगा, इतना समझ में आया,
अच्छा ड्यू साइकिल जीरो हो गया तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाइए, डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू प्लस डी यू, तो डी यू जीरो तो डेल्टा क्यू इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू, तो डेल्टा क्यू साइक्लिक इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक। अच्छा देखिए ध्यान से, हम डेल्टा क्यू साइक्लिक और डेल्टा डब्ल्यू साइक्लिक इन तीनों प्रोसेस के लिए अलग अलग तोड़ते हैं, तो डेल्टा क्यू साइक्लिक को लिख सकते हैं डेल्टा क्यू इन वन टू, डेल्टा क्यू इन टू थ्री एंड डेल्टा क्यू इन वन थ्री। इतना समझ में आया? अच्छा ध्यान से देखिए, वन टू प्रोसेस आपको क्वेश्चन में बोला था आइसोथर्मल है, आइसोथर्मल जैसे ही बोला तो हीट कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा क्यू हीट कांस्टेंट हो गया, तो डेल्टा क्यू क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। फिर आप देखिए टू थ्री में, टू थ्री प्रोसेस में आपको डेल्टा क्यू गिवन है क्वेश्चन में माइनस 40 जूल, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है टू थ्री में, ठीक है? तो टू थ्री में आपको गिवन था क्वेश्चन में माइनस 40 जूल, और थ्री वन में डेल्टा क्यू इन थ्री वन, देखिए ये एडियाबेटिक प्रोसेस है और एडियाबेटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज जीरो होता है, तो थ्री वन में डेल्टा क्यू हो जाएगा वो जीरो हो जाएगा। आइसोथर्मल में कुछ हीट होता है, आइसोथर्मल में तो डी यू जीरो होता है, डेल्टा क्यू का कुछ वैल्यू होगा, तो यहां कुछ वैल्यू है। अब ध्यान से देखिए, अब हम वर्क डन बात करते हैं, वर्क डन को भी हमने तीन पार्ट में तोड़ दिया, वन टू टू थ्री थ्री वन में। अच्छा देखिए वन टू में, वन टू में वर्क डन निकालना है, आइसोथर्मल प्रोसेस है तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स यूज करिए। देखिए वन टू प्रोसेस में इंटरनल एनर्जी जीरो हो गया क्योंकि आइसोथर्मल प्रोसेस है, तो ये जीरो हो गया, तो डेल्टा क्यू इन वन टू विल बी इक्वल टू डेल्टा डब्ल्यू इन वन टू, ठीक है? अच्छा डेल्टा साइक्लिक को भी डेल्टा क्यू वन टू और डेल्टा डब्ल्यू वन टू इक्वल है, तो ये दोनों खत्म हो गया, ये माइनस 40 था, ये तो जीरो था क्योंकि एडियाबेटिक प्रोसेस है। अच्छा टू थ्री में आइसोकोरिक प्रोसेस है, तो यहाँ टू थ्री में वर्क डन जीरो हो जाएगा, तो ये भी खत्म। अच्छा यही तो निकालना है थ्री वन में, तो ये हमारे पास है, ये ऑलरेडी कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आ गया आंसर।